हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है मसाला पनीर पकौड़ा, जिसमें हम बनाएंगे बहुत ही फ्लेवरफुल सा मसालेदार सा पनीर। पहले हम फाड़ेंगे पनीर को और उसके बाद हम बनाएंगे पकौड़े। तो देखते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मसालेदार पनीर बनाने के लिए ये हमने 2 लीटर दूध लिया हुआ है। ये टोंट मिल्क है, आप फुल क्रीम भी ले सकते हैं। इसको हम उबाल रहे हैं और यहाँ पर हमने लिया है 1 ग्लास पानी, जिसमें मैंने डाला है 3 बड़े नींबू का रस। छोटे नींबू हो तो आप 4 ले लीजिए। और मसालों में मैंने लिया है थोड़ा सा सैफ्रन के स्ट्रैंड्स, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक, और थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। तो इन सारे मसालों को अभी हम साइड में रख देंगे, दूध को उबलने देंगे, और जब दूध में थोड़ा थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तब हम इन मसालों को डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। तो मसालों को डाल के जिससे मसालों का सारा फ्लेवर दूध में आ जाए, और उसके बाद दूध को उबाल आने तक हम पकाएंगे। इधर हम तैयारी करके रख लेते हैं। यहाँ मैंने एक छन्नी ली हुई है जिसमें मैंने एक पतला मसलिन का क्लॉथ लगा के रखा हुआ है, जो हमारा छेना को छानने के काम आएगा, जो हम पनीर बनाएंगे उसको छानने के लिए। तो यहाँ दूध में देख सकते हैं आप सारे फ्लेवर मिक्स हो गए हैं, उबाल आने लगा है। गैस को इस समय पे मैंने बंद कर दिया है उबाल आते ही, और जो नींबू वाला पानी है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और चलाते रहेंगे। गैस को बंद करके हमें ये स्टेप करना है उबाल आने के बाद। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाइए नींबू वाला और चलाते जाइए। तो आप देख सकते हैं कि छेना जो है छोटा थोड़ा थोड़ा फटने लगा है, पानी थोड़ा अलग हो रहा है, छेना थोड़ा थोड़ा सा फट रहा है। बाकी बचा हुआ पानी भी हम इसके अंदर डाल देंगे, सारा पानी हमारा यूज हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको चलाएंगे करीब 10 से 20 सेकंड तक। आप देख सकते हैं छेना एकदम फट गया है, पानी अलग हो गया है। 10 से 20 सेकंड चलाने पर ये अच्छे से फट जाएगा, ज़्यादा नहीं हमें इसे रखना है फाड़ने के बाद। तो जैसे ही 10 से 20 सेकंड आप चलाएं और इस तरह का ये हो जाए, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। बहुत ही मसालेदार पनीर बनता है, आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये पानी अलग और छेना अलग हो गया है। इस समय पे आप जो कपड़े लगा हुआ छन्नी हमने रखी थी उसमें ये छान लेंगे। आराम से छानिएगा, थोड़ा सा गर्म होता है, तुरंत ही हमें छानना होता है उबलता हुआ। तो ये हमने सारा चीनी को छान लिया है और इसके बाद हम इसको ठंडे पानी से धोएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, नॉर्मल पानी जो होता है उसको डालकर आप अच्छे से धो दीजिए, जिससे इसकी जो खटास थी नींबू की वो निकल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आप इसको वॉश कर लीजिए। धोने के बाद हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें सारा निकल जाए। बिल्कुल ड्राई कर लेना है हमें इसको, अच्छे से आप इसको निचोड़ लीजिए। बहुत ही मसालेदार पनीर बनने वाला है। आप इसको पनीर टिक्का में, पनीर पकौड़ों में, पनीर की सब्जी में किसी भी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं इसके बनाऊंगी पनीर पकौड़े। तो ये सारा पानी हमने निकाल दिया है, अब हम इसको फोल्ड करके कपड़े को, और उसके बाद इसको किसी छन्नी के ऊपर रख देंगे, और छन्नी के नीचे हम रखेंगे थाली, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो थाली में चला जाएगा, फिर छन्नी और फिर हमारा पनीर। और इसको हम प्रेस करेंगे किसी भारी चीज़ से। तो यहाँ मैंने चकला लिया है, इसको प्रेस कर देंगे, एक्स्ट्रा वाटर नीचे चला जाएगा। 1 घंटे तक हमें इसको रखना है प्रेस करके, और 1 घंटे के बाद हमारा जो पनीर है वो तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मसाला पनीर एकदम तैयार हो गया है, कितना बढ़िया सा ये ब्लॉक बन गया है। इसको आप किसी भी तरह बना सकते हैं, सब्ज़ी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़े, तो पनीर के मैंने पीसेस काट लिए हैं, तो ये थोड़े थिक पीस हैं, तो बीच में से भी मैं इसको स्लाइस कर रही हूँ। और यहाँ मैं थोड़ा मसालेदार बना रही हूँ, तो इसके लिए मसाला पनीर तो है ही, साथ में मैं इसके ले रही हूँ थोड़ा से, यहाँ पर मैंने लिए स्प्रेड। मैं 1 टेबलस्पून तंदूरी मेयो लिया है, आप कोई भी मेयोनीज, चीज़ स्प्रेड कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसे ही पतले पनीर के पीस काट के भी पकौड़े बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस टाइप के सैंडविचेस बना लिए हैं पनीर को बीच से काट के। अब हम घोल बना लेंगे। 1 कप बेसन में हम डालेंगे मसाले, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 पिंच अजवाइन,
और यहाँ मैंने लिया है अदरक मिर्च का पेस्ट। थोड़ी सी अदरक और एक मिर्ची लेकर मैंने पीस ली है और उसका करीब एक टीस्पून पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका थोड़ा गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। जो हमारा पकौड़ों का बैटर होता है, पतला बैटर नहीं बनाना है हमें, उसे थोड़ा थिक ही बनाना है। तो अच्छे से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फेंट लीजिए, जितना अच्छा फिटेगा उतना अच्छे पकौड़े बनेंगे फ्लफी से। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट आप चलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फेंट लीजिए, जब तक कि ये गाढ़ा सा बैटर ना बन जाए। फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे। तो 2 से 3 मिनट इसको फेंट लीजिए आप। अब हमने जो ऑयल गरम होने चढ़ाया है उसमें से 1 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी मैं, बिल्कुल गरम ऑयल, और उस गरम ऑयल को हम इस बेसन में डालेंगे। इसके बाद डालकर हम इसको चलाते रहेंगे, अच्छे से हम इसको फेंट देंगे। अब यहाँ तेल हमने गरम कर लिया है, ये जो हमारे पनीर के सैंडविच बने हुए हैं उसको बैटर में अच्छे से लपेट लेंगे, चारों तरफ से कवर हो जाए। गैस हमारी इस समय सिम पे है, पहले हमने तेल को गरम कर लिया था, फिर सिम पर हम इन पकौड़ों को डालेंगे। तो अच्छे से आप इनको लपेट कर बेसन में इनको मीडियम आँच करके, मीडियम से सिम आँच करके इनको डालते रहिए और धीमे धीमे इनको कुरकुरे होने दीजिए। बहुत ही फ्लेवरफुल से टेस्टी से पनीर के पकौड़े बनने वाले हैं हमारे, और यहाँ मैंने इनको सैंडविच स्टाइल में बनाया है। आप चाहें तो पतले काट कर सिंपली इसको भी बना सकते हैं, या नॉर्मल पनीर से भी इन पकौड़ों को बनाया जा सकता है। आप काट के इसी तरीके से बना लीजिए। और जो हमने मसाला पनीर बनाया है उसको तो आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो धीमी धीमी आँच पर हम इनको कुरकुरे होने देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर आ गया है, इस समय पे हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि हम इनको डबल फ्राई करेंगे, 2 बार फ्राई करेंगे। एक समय पे ये पकौड़े इतने क्रिस्पी नहीं होते हैं, और अगर आपकी पार्टी वगैरह या कुछ डिनर पार्टी वगैरह है तो आप उस समय पे आप सारे पकौड़ों को तल के एक बार निकाल लीजिए हल्का हल्का, और उसके बाद हम को जब खाने होंगे इनको दोबारा फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े पकौड़े तल के निकाल लिए हैं, बाकी पकौड़े भी तल लेंगे हम, और उसके बाद दोबारा से हम इनको सिम से मीडियम आंच पे डालकर फ्राई करेंगे। डबल फ्राई करने से क्या होता है, पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बनते हैं। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सा कलर आ रहा है, मसालेदार पनीर पकौड़े हमारे तैयार हैं। साथ ही में अगर आपको और चटपटा खाना है तो बेसन में मिर्ची डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। तो मसाला पनीर पकौड़ा बनाइए और सबको खिलाइए, और मसाला पनीर कई तरह से यूज़ करिए। तो तैयार है आज की रेसिपी, हमारा मसाला पनीर पकौड़ा।